गाइस आज मम्मी बना रही हैं आलू के पराठे और हम उठ गए हैं। गाइस राम राम, जय गुरुजी। कैसे हो आप सब? मेगा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है संडे, तो नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। और बज रहे 10:15 हो गए। आज हम लेट उठे क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी। मैं बहुत दिनों बाद लेट तक सोई हूँ और ये सब तो अभी सो नहीं लग रहे हैं। और टफी भी सो रहा है और भाव भी सो रहे हैं शायद से। और यहाँ मम्मी आलू छीलने लग रही है। इतने लोग सब उठेंगे, इतने में ये छिल जाएंगे, फिर बना लेंगे। और मम्मी मैं देख रहे टीवी। सब गाइस अभी धूप बहुत कैरी आ रही है, देखो कितनी कैरी आ रही है। मेरी आँख नहीं खुल रही है मेरी मम्मी। और काम अभी तो भैया ये उठे ही नहीं है और काम तो हो गया सारा। यहाँ पे चाय और पराठे बन गए और अब लेके चलते हैं सबके लिए। मम्मी यहाँ पे दाल भी अभी रख रही है क्योंकि 11 बज चुके हैं, इसलिए फिर बाव के लिए दाल बना रही है। हम तो यही खा लेंगे। और यहाँ चाय भी निकल गई, मम्मी पराठे बनाने लगी थी। और अब लेके चलते हैं, सब खा लेते हैं सब के लिए। और धूप आ रही है और यहाँ लेटे टफी भी खा। हम लोग मैं कर रही हूँ काम, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी अपना काम। और मम्मी देख रही है यहाँ पे टीवी। और देखो 4 बज गए और अभी टफी, आज हमने टफी को भी नहलाया था, यहीं लेट आई है। देखो पराठा ना, ये देखो ये लेटा हुआ टफी। और अभी मैंने मंगाया है मम्मी के लिए डोसा। मम्मी डोसा खाएंगी, डोसा मंगाया इसलिए कुछ भी, इसलिए डोसा खिला रही हूँ मम्मी को। और अभी आने वाला है, ऑर्डर करा है जहाँ से हम खाते थे ना पहले उदीपी से, वहाँ से मंगाया। अभी आने वाला है, बस 4:15 तक आ जाएगा, फिर आते हैं जब दिखाते हैं आपको। और खुशबू अच्छी आ रही है। ये है चटनी और है इसमें सांबर और रेड कलर की चटनी। तो गाइज आज हमने मंगाया है डोसा, बहुत दिन से मन कर रहा था। ये मसाला डोसा, ये इसकी चटनी, ये सांबर। तो कई दिनों से मन कर रहा था डोसा खाने का, तो आज फाइनली मंगा ही लिया। तो गाइज अभी हम टफी को लेके आए हैं डॉक्टर के पास क्योंकि टफी की हो रही थी तबीयत ख़राब। तो मैं और मनीष लेके आए हैं क्योंकि मनीष के साथ अच्छे से आ जाता है। तो स्कूटी पे हम इसे लेके आ गए डॉक्टर के पास क्योंकि इसका खुजली भी हो रही है और एक इसे शायद बुखार भी है क्योंकि कुछ खा भी नहीं रहता ये। तो अब डॉक्टर के पास लेके आए हैं, अब डॉक्टर इसे देखेगा। देखो आ गया, वैसे आराम से आ जाता है, डर रहा था पर थोड़ा। अब डॉक्टर इसे चेक कर लिया है डॉक्टर ने, पर डॉक्टर इसके दवाई वगैरह लगा रहे क्योंकि इसके पूंछ पे थोड़ी ज़्यादा ही खुजली हो रही थी। तो इसके अब दवाई लगाएंगे और इंजेक्शन बोला है उन्होंने, 2 इंजेक्शन भी लगेंगे। तो अभी हम खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ रहे हैं जो इंजेक्शन लगाएगा। तो मनीष पकड़ के खड़ा है इसको और मैं भी। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ये मतलब सारे जानवरों का वो है हॉस्पिटल, ये डॉग्स वगैरह सब कुछ होते हैं यहाँ पे। मोर भी है, डॉग भी है, खरगोश भी है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है ये। अब देखो इसको इंजेक्शन लग रहे हैं, तो इसने बिल्कुल आराम से इंजेक्शन लगवा रहे हैं क्योंकि कई दिन से 3-4 दिन से इसको रोज़ इंजेक्शन लग रहे हैं पर आराम नहीं हुआ। अब मैं यहाँ दूसरी जगह लेके आई हूँ जहाँ से इसको आराम होता है, अपने वहीं पर लगवाए थे वहाँ से, तो इसे आराम हुआ नहीं। अब देखते हैं, इसने दवाई वगैरह सब लगा दी है, देखते हैं अब आराम हो जाए। वैसे हो जाता है यहाँ की दवाई से इसके आराम, यहीं से दिला के लेके जाते हैं हम हमेशा इसको दवाई। तो बड़े प्यार, मतलब बड़े प्यार से करते हैं जानवरों को, बहुत आराम से, बिल्कुल कितने आराम से बैठ के लगवा रहा है दवाई भी और इंजेक्शन भी लगवा है। इसने 2 इंजेक्शन लगे हैं इसको, डॉक्टर ने इसे नहलाने विलाने के लिए कहा है और मतलब अभी दवाई दी है इसको, नहला के दवाई लगानी है। तो अभी डॉक्टर से बोल देख लेते हैं, वो दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर यहाँ पे, बता रहे हैं मतलब समझा रहे हैं हमको कि ऐसे ऐसे दवाई देनी है इसको, ऐसे ऐसे लगानी है। तो हमें ये सब बातें वो डॉक्टर बता रहे हैं। तो चलो अभी दवाई तो हमने लिखवा ली, पूछ लिया इनसे, अब हम चलते हैं घर। रास्ते में से इसकी दवाई ले लेंगे
और फिर निकल लेते हैं घर के लिए। मतलब काफ़ी अच्छी जगह पे है हॉस्पिटल, पूरा हरियाली हरियाली, काफ़ी बड़ा भी है और हमारे घर के थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर है बस। और अब चल दिए, देखो कितने आराम से चल देता है। वैसे पहले तो ये थोड़े ड्रामे दिखाता जाने वाने में, अब तो बिल्कुल आराम से चल देता है, साथ कहीं भी लेके जाओ बिल्कुल। एक चलो बैठ जाएगा स्कूटी पे कि चलो घर। देखो अभी सुसु करने के लिए जगह ढूंढ रहा है, ऐसे सुसु आ रहा होगा ना, तो ये सुसु करने के लिए जगह देख रहा है। यहाँ पे देखो कितनी ग्रीनरी है, यहाँ पे कितना हरा भरा सा है, बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। अब चलो हम निकल गए घर के लिए, अब घर जाके इसको, अब अभी तो पहले रास्ते में से दवाई लेंगे, दवाई लेके आज डिनर में हमने बना, आज हम डिनर में बना रहे हैं पाव भाजी। ये मैंने बटर रख लिया, ये मैंने पाव भी मंगा लिए हैं और तैयार रख रखा है इधर, और इधर भाजी मैंने बना लिया। देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही टेस्टी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये भाजी मैंने बना लिया, देखो आप भी, और भाजी बन गई और पाव सेकेंगे। इधर मैंने बनाई थी अरबी औरों के लिए खाने के लिए, इधर टफी का खाना दे दिया, इधर देखो टफी इंतज़ार कर रहा है, और बाकी रखा रोटी बना दी है सबके लिए। और बस ये पाव सेकने रह गए, जो पाव खाएगा पाव भाजी खा लेगा। निक्कू के बाबा की तो रोटी बनाई है, उनकी रोटी भेज दी है ऊपर, और आज आए हैं निक्कू के पापा भी, वो अभी बाहर गए हैं फिलहाल, तो मिलवाते हैं आपको जब आ जाएंगे। अभी बज रहे हैं 8:30, अभी बस निक्कू के बाबा ने खाना खाया है, बाकी निक्कू के बाबा ने खाना खा लिया है और अभी हमने खाना नहीं खाया है। अभी करण ने भी नहीं खाया, ना मैंने, ना निक्कू ने, ना निक्कू के पापा ने, वो भी अभी बाहर गए हैं। तो अभी आ जाएंगे जब हम खाना खाएंगे, और आपको दिखाई दिया है जैसे कि पाव भाजी बनाई है आज खाने में, शाम के में डिनर में, और अरबी बनाई है। तो चलो मिलते हैं आपको डिनर करने के बाद, अभी कर लेते डिनर। बहुत हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उमस है, मिनट मिनट में पसीने आ जाते हैं, बस बहुत बुरा हाल हो रखा है गर्मी की वजह से। कुछ भी बिंदी तक भी नहीं रुकती, बिंदी लगाती हूँ तो बिंदी भी उतर जाती है पसीने की वजह से। तो चलो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। मम्मी बना रही है पाव सेक रही है, भाजी तो बना ली थी गैस चूल्हे, और यहाँ पर मम्मी पाव सेक रही, फिर हम खाएंगे। तो गाइज यहाँ निक्कू खा रही है पाव भाजी, तो मैं इससे पूछती हूँ कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। 10 में से कितने नंबर? 9। और एक किस चीज़ का? बाहर खाने में मज़ा आता। भा ले जा प्लेट उठा के, फिर छत पर जा खा ले। तो गाइज बहुत टेस्टी बन रही है, क्योंकि मैं भी खा रही हूँ साथ के साथ, ये भी खा रही है, और बहुत अच्छी बनी है। तो गाइज ये खा रहे हैं पाव भाजी, ने रात नहीं खाई तो मैंने इन्हें अब दी है। देखो इधर दाल बनी है, तो ये लंच कर रहे हैं और ये अभी जाएंगे वापस मेरठ, तो अभी ये खा के जाएंगे खाना।